हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कौरमा। आपने इस रेसिपी को शादियों में बहुत बार खाया होगा। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनता है। इसमें बिल्कुल भी मसाले नहीं पड़ते हैं, इसलिए बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है और इसको मैंने धोकर अच्छे से पानी वगैरह इसका ड्रेन कर लिया है। इसको हम साइड में रख लेते हैं और एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला तैयार करने के लिए ले लिया है 15 से 20 कबाब चीनी। यहाँ पर आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं और 30 से 35 यहाँ पर काजू है जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था। 30 से 35 ही मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं और इसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था और इसके छिलके उतार दिए। तो इन सभी चीज़ों को हम आधे कप दूध में पीस लेंगे। पीस के इसे भी हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया है एक कढ़ाई और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो तेल को गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दालचीनी ऐड कर रही हूँ, 2 बड़ी इलायची और 10 से 12 यहाँ पर लौंग है, 1 छोटा टुकड़ा है पत्थर के फूल और 1 छोटा टुकड़ा मैंने जावेत्री लिया है। उसके बाद 15 से 20 यहाँ पर काली मिर्च लिया है। यहाँ पर आप छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कब ऐड करूँगी पूरी रेसिपी आप देखना, फिर आपको समझ में आएगा और उससे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इन सारे मसालों को 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक इसका आरोमा तेल में ना आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का कलर जो है थोड़ा सा हल्का पिंकिश हो जाए उतना हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हल्का ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल भी फ्रेश बना हुआ है, और इसे इसी में भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी में इसको भून लिया है अच्छी तरीके से और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा जो चिकन था उसे हम ऐड कर लेंगे। तो सारा चिकन हमें यहीं पर ऐड कर लेना है और चिकन को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको इतना भूनना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए और वाइट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसको हम वाइट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर अब वाइट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी दही। दही बिल्कुल भी फ्रेश ऐड करना है। अगर आप पुराना दही ऐड करोगे तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन हमें इसका टेस्ट बिल्कुल भी खट्टा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने दही ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अभी तक मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसे अच्छी तरीके से बस मिला लेना है हमें। और ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है और ये जो हमारा चिकन है ये दही में ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसको हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना पानी भी छोड़ चुका है। तो बस इसे हम हिलाते हुए इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आधे से ज़्यादा पानी हमने सुखा लिया है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करिएगा और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक सूख चुका है, ऑलमोस्ट सूख चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि जो चिकन है हमारा वो गला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो मसाले जो हमने तैयार किया था, बादाम, काजू और कबाब चीनी का। तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया है और कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके उसको इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स और 2 से 3 मिनट इसको हम और पकाएंगे। तो अब 2 से 3 मिनट इसे हम इसी तरीके से हिलाते हुए पका लेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा है और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी ठीक हो गई है और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ठीक ही होती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं
और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो इसे देखिए, हमने हिलाते हुए 3 से 4 मिनट पका लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्ची। तो मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करना, बस इसे भी मिला लेंगे और अच्छे से इसे भी हम पका लेंगे। मिर्ची डालने के बाद लगातार इसे हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट पका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर फ्लेम आपने हाई रखा और लगातार नहीं चलाया तो ये नीचे लग जाएगा तले पर, इसके लिए हमने लगातार इसको हिलाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑलमोस्ट इसका जो पानी वगैरह था एकदम सूख चुका है और ये बिल्कुल भी ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर मैंने क्या किया है, छोटी जो इलायची होती है 3 से 4 उसको अच्छे से पीस के उसका जो पाउडर होता है उसे मैंने ऐड कर दिया है। इस तरीके से इसमें जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी आपका जो चिकन कोरमा है बहुत ही मज़ेदार बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ज़रूर ऐड करना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद जब हमने मिक्स कर लिया है इलायची वगैरह को, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें क्रीम, और ये मेरा घर का बना हुआ क्रीम है फ्रेंड्स, और इसको मैंने ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इसी तरीके से हिलाते हुए चलाते हुए बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर का ये हमारा कोरमा बनेगा फ्रेंड्स। तो बस ये हमारा चिकन कोरमा अब बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक सर्विंग बाउल फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, टेस्टी लगती है, बट जब हम उसको बनाते हैं तो बहुत ही आसान होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट चिकन कोरमा है हमारा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसका। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।